Hello guys, I'm Faisal. I'm your English trainer. Very important class today. पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने सीखा इंग्लिश को कैसे सीखा जाए, कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करा जाए. कुछ बेसिक फंडा थे, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. मैंने आपसे डिस्कस किया कि व्हाट एग्जैक्टली द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैब्स इन इंग्लिश. मैंने आपको बताया कि वोकैब्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे याद किया जाए. बाकी बहुत सी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, बहुत सी चीज़ें अभी मुझे आपसे डिस्कस करनी है. तो आज जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश में, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है. मिसकंसेप्शन मीन्स गलत अवधारणा, गलत सोच, एक आपके माइंडसेट में जो आपके डाल दी गई है एक बात, तो वो बहुत स्टूडेंट्स को या जो बिगिनर हैं उनको बहुत कंफ्यूज करती है. यस, दैट इज ग्रामर, GRAMMAR. यस, डू नॉट मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स. ओके, स्पेलिंग ऑफ ग्रामर, मोस्टली पीपल यस स्पेल मिस स्पेल इट. तो द राइट स्पेलिंग इज GRAMMAR, ग्रामर. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो सबसे ज्यादा जो अगर कोई स्टूडेंट या जो इंग्लिश अच्छी बोलना चाहता है या जो सीख रहा है इंग्लिश, उसको अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में कंफ्यूजन होता है तो उसका कंफ्यूजन होता है कि वाकई क्या ग्रामर इंपॉर्टेंट है. कुछ स्कूल्स में या कुछ इंस्टीट्यूशंस में लोगों को बता दिया गया है, ट्रेनर या टीचर्स ने ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया है कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है. अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती है, अगर आप सेंटेंस ब्ला 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 करके बोलते चले जाते हैं, तो आई थिंक वो उनके दिमाग में डाल दिया गया, इट्स ओके दैट जस्ट कंटिन्यू टू स्पीक, डजंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग द राइट यू नो द टर्म्स ऑफ ग्रामर. आप सेंटेंसेस को सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, टेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब सही है नहीं सही है, या आप प्रेजेंट में पास को बोल रहे हैं, पास में फ्यूचर को घुसेड़े दे रहे हैं. तो ये बहुत सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट करते हैं. तो आज मेरा सबसे पहला जो बताने का उद्देश्य है, जो मेरा एम है आपको समझाने के लिए, कि आप इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए. ये एक बहुत बड़ी गलत सोच है, अवधारणा है जो आपके दिमाग में डाल दी गई है कि अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, या अंग्रेज जो होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो ग्रामर का यूज नहीं करते हैं. दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत बात है, इट्स नॉट राइट. ओके, तो बात करते हैं कि ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्पोकन इंग्लिश में. चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो हम लोग अपनी मदर टंग लेते हैं, हिंदी. लेट्स टॉक अबाउट हिंदी ग्रामर. मान लीजिए अगर हम कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, ओके, मान लीजिए किसी अगर मैं फीमेल या लड़की के बारे में बात करता हूं, मैं कहता हूं टीना, ओके, या उसके ऑपोजिट मैंने को राहुल, ओके, तो छोटा सा सेंटेंस में बनाता हूं कि टीना रोज कॉलेज जाती है. ओके, अगर यही सेम सेंटेंस मैं किसी मेल या लड़के के लिए बनाऊं तो राहुल या अनिल कॉलेज जाता है. पहली बात नहीं है, टीना कॉलेज जाती है, राहुल कॉलेज जाता है. कैन वी स्पीक टीना कॉलेज जाता है, राहुल कॉलेज जाती है? तो आप हंसेंगे, आप कहेंगे कि सेंटेंसेस इनकरेक्ट है. तो आपको किसने ये चीज बताई कि ये ता और ती, जहां पे ई की मात्रा है यहां पे आ की मात्रा है, ये किसने बताया कि ये आप सेंटेंस आपके गलत हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, हिंदी ग्रामर. जब हम लोग छोटे थे हिंदी ग्रामर पढ़ते थे, जब लोगों ने हिंदी शुरू की पढ़ना, तो उसमें हम लोगों को हिंदी ग्रामर, जिसे कहते थे हिंदी व्याकरण, हम लोगों को पढ़ाई जाने लगी, जिसमें साफ हम लोगों को कुछ सेंटेंसेस, कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को करेक्ट करें बताया गया. करेक्ट, यानी ये वैसे तो हम लोगों को जाहिर सी बात है मदर टंग है, बचपन से बोल रहे हैं, तो हमको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं. बट हम लोग जानते हैं कि जब हम फीमेल की बात करते हैं तो टीना कॉलेज जाती है, रानी पढ़ाई करती है, मेरी मम्मी खाना पकाती है, राहुल कॉलेज जाता है, अनिल यहाँ पर आता है, राम क्रिकेट खेलता है. तो इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बनाते हैं. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हाँ, सबसे पहले तो बात करते हैं टेंसेस की.
जो हमारे कॉन्वर्सेशन होते हैं यूजुअली जाहिर सी बात है तीन टेंसेस में होते हैं, पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑलराइट, तीन टेंसेस में हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन हिंदी प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, एंड फ्यूचर भविष्यकाल। ऑलराइट, तीन टेंसेस होते हैं और हम लोग इन्हीं में बात करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस हिंदी के उठाता हूं मैं आपको। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपका हिंदी क्लास ले रहा हूं, ऐसा है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी मदर टंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रामर वाकई कितनी इंपॉर्टेंट है स्पोकन लैंग्वेज के लिए। ओके, चलिए कोई छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैंने मान लीजिए एक सेंटेंस मिला, राहुल रोज मुझसे मिलता है। कौन सा टेंस है? राहुल रोज मुझसे मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट टेंस। ओके, वर्तमान काल। ओके, मान लीजिए अगर ये सेंटेंस हम बीते हुए वक्त में बात करें, राहुल कल मुझसे मिला था, तो ये कौन सा टेंस है? जाहिर सी बात है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, था, थी, थे हम लोग यूज करते हैं पास्ट टेंस में। ओके, मान लीजिए अगर तीसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं कि राहुल मुझसे कल मिलेगा, गा की गे, ये किस में आता है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में। आपने जरा मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा? राहुल मुझसे मिलता है, राहुल मुझसे मिला था, राहुल मुझसे मिलेगा। यानी अगर हम हिंदी ग्रामर की बात करें तो हिंदी ग्रामर में भी टेंस की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम पास की बात करते हैं तो हम था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे यूज करते हैं। प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम ता है, ती है, ते है में बात करते हैं। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम गा है, गी है, गे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो यही आप यकीन मानिए, जब आप हिंदी का एक सेंटेंस बगैर ग्रामर यूज करिए करे हुए, हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण यूज किए हुए, अगर आप हिंदी का एक सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? तो ये दावे जो लोग करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बिल्कुल सरासर गलत है। रह गई बात कुछ अमेरिकन्स या कुछ ब्रिटिशर्स जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ग्रामर नहीं, ऐसा नहीं है। खास करके अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स की, तो यूजुअली दे आर वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड व्हाइल स्पीकिंग। ओके, तो बहुत अच्छी ग्रामर का यूज करते हैं। इवन क्योंकि मैं यूके प्रोसेस में था तो मुझे ये बात बताई भी गई थी कि आप सेंटेंसेस गलत नहीं बोलेंगे, आई हैव टू यूज यू नो द बेसिक टर्म्स ऑफ ग्रामर, लाइक वेयर आई हैव टू यूज प्रीपोजिशन, वेयर आई हैव टू यूज आर्टिकल्स, ऑल अबाउट द टेंसेस, एवरीथिंग, मुझे एवरीथिंग आई वॉज टॉट, मुझे बताया गया, पढ़ाया गया। क्लियर? और अंग्रेज खास करके अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते उनसे कोई अगर गलत ग्रामर या गलत सेंटेंसेस बोले। हाँ, अमेरिकन के बारे में ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कैजुअल होती है, रफ एंड टफ होती है, उनमें स्लैंग्स होते हैं, या वो लोग अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, जैसे वॉन्ट टू की जगह वोना, जिसे एब्रीविएशन या स्लैंग्स बोल सकते हैं, गोइंग टू की जगह गोना, हैव गॉट टू की जगह गारा, तो इस तरीके की शॉर्ट लैंग्वेज वो कर देते हैं, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम सामने आती हैं। ओके, प्रॉब्लम्स नहीं है, वो उनका अपना बोलने का स्टाइल है, वो अपनी अपनी ग्रामर को अपने हिसाब से बोलते हैं, तो दिस इज देयर कंसर्न, नॉट आवर कंसर्न। ओके, तो पहली चीज, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। विदाउट यूजिंग ग्रामर अगर आप सोचते हैं या अगर आपसे कोई बोलता है कि कोई आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, खास करके इंग्लिश, तो समझ जाइए कि वो आपको मिसलीड कर रहा है। यूजुअली लोगों को खुद नहीं पता होता है ग्रामर के बारे में, तो वो दूसरों को भी मिसलीड करने लग जाते हैं, गुमराह करने लग जाते हैं। ओके, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हमें अपनी लैंग्वेज में करना है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, नो लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड कैन बी स्पोकन विदाउट यूजिंग द बेसिक टर्म्स ऑफ ग्रामर। गॉट इट? तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर से हमें क्या फायदे हैं, किस तरीके से ग्रामर को हम अपने सेंटेंसेस में इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, दिस क्लास। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग।
बाय बाय।